जनाब, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक खास अगला अपडेशन देने जा रहे हैं, जो कि है मुआवजा कंपनसेशन की दरें बढ़ी। कितनी बढ़ी, क्या वजह है जो ये कंपनसेशन की दरें बढ़ानी पड़ी, और साथ में क्यों होगी प्रॉपर्टी महंगी, एक खास साफ सुथरा इंपैक्ट और फैक्टर्स डिटेल के साथ हम आपको जो इंपैक्ट इस क्षेत्र में करने जा रहे हैं, जिसका एक खास अपडेशन इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाई बंधुओं के लिए लेके आए हैं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर खास अपडेशन सब्सक्रिप्शन पाने के बाद ही आपको फ्री में हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। तो जनाब, आपको ये बता दें, आज के दिन मंगलवार के दिन एक खास कंपनसेशन मुआवजे से, जो कि दरें, जी हां, रेट्स की अगर हम बात करें आज की तारीख में, अभी तक जो पहले 2322 रुपए, जी हां 2322 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा जो दिया जा रहा था, उसकी दरें बढ़ा के लगभग 778 पर स्क्वायर मीटर का इसका मुआवजा रेट बढ़ा के, जो कि अब लगभग 3100 पर स्क्वायर मीटर का हर किसान भाइयों को पैसा जेवर क्षेत्र में अब अथॉरिटी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो कि एक खास बड़ी खबर है। आपको ये बता दे, इसका सीधा का सीधा फायदा हमारे जेवर के किसान भाइयों को देखने को मिलेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी, अगर हम आपकी ही बात करें, जिसमें आपने अपना आशियाना सालों साल, या हम कहें हिस्टोरिकल कि हम हिस्ट्री की बात दोहराएं, जितने भी लोग यहाँ पे रहे होंगे, सिर्फ जेवर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट या अन्य क्षेत्र की इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए एक किसान भाई इस जगह को छोड़ता है, तो ये बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात है हमारे देश और यूपी और इंडिया के लिए। तो चलिए, एक खास अपडेशन जो हमने आपको दे दिया है, मुआवजा कंपनसेशन की दरें बढ़ी हैं, अब मुआवजा जो आपको मिलेगा 3100 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, एक बड़ी सौगात, खुशखबरी की बात है। अगला अपडेशन जो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से अब दे रहे हैं, वो है क्यों होगी प्रॉपर्टी महंगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। सबसे पहले बेहतरीन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर्स का इस क्षेत्र में। जिस तरीके से जेवर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आई है, तो ये सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी क्षेत्र को आने वाले वक्त में करेगी महंगी। दूसरा फैक्टर वो है कंपनसेशन का। जब कंपनसेशन की दरें बढ़ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जब मुआवजा, जब जमीन ही महंगी मिलेगी अथॉरिटी को, तो ऑटोमेटिकली सीधा का सीधा असर इंपैक्ट सर्कल रेट पे पड़ेगा। जब सर्कल रेट बढ़ेगा, तो हमेशा मार्केट में हलचल मचेगी और प्रॉपर्टी होगी ऊपर के स्तर पर। तीसरा फैक्टर वो है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिस तरीके से डे बाय डे तेज रफ्तार से चल रहा है, इस क्षेत्र में कोई भी, हम कहें हर एक इंसान, इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए तैयार बैठा है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नंबर वन हमारे देश का और फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आने वाले वक्त का देखने को इस क्षेत्र में मिलेगा। चौथा फैक्टर, अन्य बहुत सारे हैं, चाहे वो फिल्म सिटी हो, या आपका मेडिकल डिवाइस पार्क, या पॉट टैक्सी, या अन्य खबरें, वो जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे की सारी चीजें प्रॉपर्टी क्षेत्र को अब करेंगी महंगा। कोई माइके लाल भी अब इसको रोक नहीं पाएगा, ये हमारा दावा है, 101 नहीं 201% जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। प्रॉपर्टी की दरें, रेट्स कब ऊपर होंगे, वो भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुआवजा कंपनसेशन की दरें बढ़ी और क्यों होगी प्रॉपर्टी महंगी का खास लेटेस्ट अपडेशन हमने अपने चैनल के माध्यम आपको दे दिया है। तो जनाब, उम्मीद करते हैं ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन हर एक भाई बंधु तक पहुंच गई होगी। जो भाई बंधु चाहते हैं
आपके कोई खास करीबी है, इस वीडियो को आप अपने चाहने वालों तक सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक इंसान जागरूक रहे और सतर्क रहे। तो जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं और हर खास अपडेशन की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये खास चैनल, ये खास वीडियो आपको हर तरीके से एक अच्छे स्तर पे आपको आने वाले वक्त में जरूर पहुंचाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।